स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1, सम नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी सीरीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म। तो इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सी एपी है। अगर वो एपी है तो आपने कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे वाली तीन टर्में लिखनी है। सम नंबर 1st 2, 4, 8, 16। तो यहाँ चेक करेंगे कि एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, 4 - 2 = 2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाओगे, 8 में से 4 घटाओगे तो 4। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाओगे तो 8। हेयर डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट एपी। सेकेंड टर्म -10, -6, -2, 2। यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, -6 में से -10 घटाओगे, -10 में से 6 गए 4। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाओगे, -2 में से -6 घटाओगे तो -6 में से 2 गए 4। फोर्थ में से थर्ड टर्म घटाओगे तब भी 4 आएगा। हेयर डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस इज एपी सीरीज। नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है आपने आगे वाली। फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a+4d, a की जगह -10 पुट कर दोगे, 4 यूं का यूं, और d की जगह 4, 4, 4 + 16, 16 में से 10 गए 6। a+5d, a की जगह -10 पुट कर दोगे, 5 यूं का यूं, d की जगह 4, 5, 4 + 20, 20 में से 10 गए 10। सेवन टर्म कैसे निकालोगे, a+16, a की जगह -10, 6 यूं का यूं, d की जगह 4, 6, 4 + 24, 24 में से 10 गए 14।